क्या वजह थी उनको कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त में उन्होंने पार्टियों को शेड्यूल ट्राइब दिया, क्या पहले नहीं दे सकते? 370 कहते ना जिम्मेवार था आतंकवाद, आज तो 370 पाँच साल से नहीं है, हाँ तो आज कैसे ये आतंकवाद? ये किसी की हिफाजत नहीं कर सकते, ये सिर्फ कुर्सी अपनी हिफाजत। फिर से हम सुप्रीम कोर्ट बार बार जाएंगे जब तक हम इसको वापस नहीं करें। ये लोगों की इज्जत का मामला है, फारूक अब्दुल्ला का आतंकवाद का मामला सिर्फ नहीं है, यहाँ के लोगों की इज्जत का मामला। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, मुझे ये बताएं 10 साल उनने हुकूमत की, क्या वजह थी उनको कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त में उन्होंने पार्टियों को शेड्यूल ट्राइब दिया, क्या पहले नहीं दे सकते थे? सिर्फ उनको फंसाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है पहाड़ियों ने ये गेम देखी और पहाड़ी इनके साथ नहीं गए। बोलिए, दूसरी चीज बोलूं आपसे, ये हम पे तोहमत लगाते हैं कि आतंकवाद हमने शुरू किया, कहते हैं सुनिए, कहते हैं ना, मैं इनसे कहता हूँ भैया 370 कहते हैं ना जिम्मेवार था आतंकवाद, आज तो 370 पाँच साल से नहीं है, हाँ तो आज कैसे ये आतंकवाद है, कैसे वो मार रहे हैं? अभी देखिए कल ही किश्तवाड़ में हुआ, कैसे हुआ और कोई बात नहीं करते। मुझे ये बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर में एक शेड्यूल कास्ट लड़की की बलात्कार हुआ, क्या आपने वजीर आजम का कोई बयान सुना उसके बारे में? क्या आपने होम मिनिस्टर जो जम्मू में बैठे हैं उनने कुछ इसके बारे में कहा? क्या आगे जो वहां पे मुख्यमंत्री है उसने कुछ कहा? क्या उसका वो हमारी बहन नहीं है, वो हमारी बेटी नहीं है? कितने दफा आप इनको शिकार बनाओ और फिर कहोगे कि हम सबकी हिफाजत करने वाले हैं? ये किसी की हिफाजत नहीं कर सकते, ये सिर्फ कुर्सी अपनी हिफाजत कर रहे हैं। देखिए इट्स ए लीगल बैटल, अगर आप देखें पहली दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तीन तीन जजों की क्या थी कि यह परमानेंट है, ये टेम्पररी नहीं है, ये इसको सुप्रीम कोर्ट में कहा ये टेम्पररी। फिर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बार बार जाएंगे जब तक हम इसको वापस नहीं लाएंगे। ये लोगों की इज्जत का मामला है, फारूक अब्दुल्ला का नेशनल का मामला सिर्फ नहीं है, यहाँ के लोगों की इज्जत का मामला है। सर, बीजेपी के मुताबिक अगली गवर्नमेंट कश्मीर में उनकी बनेगी जिसमें कश्मीर के 10 जो है वो इंडिपेंडेंट लोग उनके साथ होंगे। 35 अरे भैया वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो आसमान से आएंगे ना, जमीन से थोड़े आएंगे।